शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सॉरी, मैंने आप सबको बहुत तंग किया। अब से ऐसा नहीं करूंगी। सॉरी। कभी कभार बच्चे घर वालों की जगह बाहर वालों की सुन लेते। शुक्रिया बेटा मदद करने के लिए। देखिए, जैसा कि मैं आप सबको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं बच्चों का मन पढ़ सकती हूँ, जो करती हूँ इनकी भलाई के लिए करती हूँ। तो अगर आप सबको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर रखना चाहिए तो थोड़ा बहुत तो मेरे हिसाब से भी चलना पड़ेगा। और ये बात मैं पहले ही आप सबके सामने रख देना चाहूंगी। ऐसा क्या बोला इसने सांवी को कि उसने तुरंत सबसे माफी मांग ली? इतनी उखड़ी हुई बच्ची अचानक से शांत? नहीं, कुछ तो अजीब है। कितनी अजीब सी है ना वो रीमा आंटी, और सानवी भी कितनी अजीब है। पता है मुझे रीमा आंटी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और अगर वो अच्छी नहीं हुई तो हम उन्हें रात में भूत बन के डराएंगे और यहाँ से भगा देंगे। बच्चों, नीचे खाना तैयार है तो तुम दोनों आ जाओ। सोनिया आंटी, हम बस दो मिनट में आते हैं। ठीक है, मैं सानवी को बुला कर लाती हूँ। ये तरीका है तुम्हारा डरा के धमका के मार के? शर्म नहीं आई तुम्हें? बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। क्या हुआ श्रद्धा, क्यों चिल्ला रही हो उनपे? जिस बच्ची से आज तक मैंने ऊंची आवाज में बात नहीं की उसे ये डंडे से मारने जा रही थी। ये क्या तरीका है एक छोटी सी बच्ची का अनुशासन सिखाने का? हे माता रानी, 5 मिनट हमारी बच्ची के साथ अकेली क्या रही? उसे मार मार के उसे माफी निकलवाई तुमने? अबे, इसकी एजेंसी का नंबर दो। हाँ। मुझे उनसे बात कर दी। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? निकल जाओ यहाँ से। ये डायमा है या डायन? क्या जादू टोना किया है तुमने हमारी बच्ची पर? मार खाने के बाद भी देखो उसे छोड़ नहीं रही। बस कीजिए। मैं चली जाती हूँ। नहीं आंटी, आप कहीं मत जाओ। सानवी बेटा, इन्हें जाने दो, ये अच्छी नहीं है। आंटी बहुत अच्छी है, आप झूठ बोल रहे हो। वो तो मुझे बोल रही थी कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, वरना भगवान जी गुस्सा हो जाते हैं। देखिए, मेरा तरीका आप सबको अटपटा लगता होगा, पर मैं ऐसे ही काम करती हूँ। मुझे पता है कि जब बच्चे सीधे तरीके से नहीं समझते हैं तो उन्हें कहानियों की भाषा में समझाना पड़ता है। श्रद्धा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। पर जब इनकी माँ ही नहीं चाहती तो मैं यहाँ। सानवी के पापा आपसे कह रहे हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप
चलो सानवी बेटा, खाना खाने का टाइम हो गया। अच्छी नहीं है, मैंने ना उन्हें सानवी के कान में कुछ अजीब सा बोलते हुए सुना था। इस रीमा पे तो मुझे पहले से ही भरोसा नहीं, एक बार सानवी को देख लेती हूँ कि वो ठीक से सो रही है या नहीं। देखा तुमने, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक बार मैं यहाँ आ गई तो मैं अपनी जगह बना लूंगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, बस अब कल से तुम भी वही करना जैसा कि हमने प्लान किया था। वो मैं तेज हवा की वजह से बाहर आई थी, दरवाजे खड़खड़ा रहे थे तो मैंने सोचा बंद कर देती हूँ। गुड नाइट। बच गए आज तो। कोई तो था जिससे रीमा बात कर रही थी, मुझे पता करना पड़ेगा वो कौन था। कभी नहीं सुधरोगी। और ऐसा क्या हो गया कि तुम समान और क्यारा के साथ तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा? हर बार हम ही गलत नहीं हो सकते मम्मी।